जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज मैं इतनी बड़ी जानकारी आप लोग के लिए लेके आया हूँ कि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, जितने भी लड़के या जितने भी लड़कियां डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, खास तौर से आर्मी में जाने का सपना देखते हैं या सपना सजाना चाहते हैं, तो चलिए उसकी आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आज आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो इससे पहले आपको किसी ने भी यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया होगा, और 100% चैलेंज देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप इंडिया आर्मी में जाने के आपको रास्ते साफ साफ दिखने लगेंगे। सबसे पहले बता दूं, मैं बात करने जा रहा हूं ज्वाइंट टटोरियल आर्मी एज ए ऑफिसर रैंक और नॉन ऑफिसर रैंक। सबसे पहले ये बता दूं, लड़के 17.5 से 21 साल के बीच में जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन या 23 साल के बीच में ये सारी वैकेंसियां देखते हैं, या 25 साल तक या 27 साल तक हवलदार की या सिपोई, डी फार्मा, एस फार्मा की वैकेंसियां देखते हैं। लेकिन जब उनकी उम्र बीत जाती है तो वो डिफेंस यानी आर्मी ज्वाइन करने का सपना छोड़ देते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ कई लड़कों ने ग्रेजुएशन कर लिया होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ कि आर्मी में जाने का सबसे सीधा और सरल रास्ता कौन सा है, और ये वैकेंसी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, और साथ ही साथ मैं टटोरियल आर्मी से जुड़ी सारी आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है सभी को दूर करूंगा, और टीए की नोटिस जो है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए फटाक से सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर आप भी डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए टटोरियल आर्मी, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है ये नोटिफिकेशन। सबसे पहले बता दूं, अगर आप टीए की भर्ती देखते हैं, ठीक है, नॉन टेक्निकल भर्ती और टेक्निकल भर्ती, यानी ऑफिसर रैंक पे और जेसीओ रैंक पे। देखिए, ऑफिसर रैंक पे अगर देखते हैं तो कुछ कंडीशन है, और जेसीओ रैंक पे देखते हैं तो उसकी कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इंडिया के कैंडिडेट होने चाहिए, ठीक है, मस्ट, और ये तो कंपलसरी है, ठीक है। आपकी एज लिमिट 18 से 42 साल के अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका जुनून है तो आप देख सकते हैं, मैं ये आपको आगे जो जानकारी देने वाला हूं बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है, 18 से 42 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एज ए ऑफिसर रैंक देखते हैं तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, जो हर साल वैकेंसी आती है, ठीक है, हर साल आती है। और आपको अगर 10th पास है टीए की भर्ती देखना चाहते हैं या 12th पास है टीए की भर्ती देखना चाहते हैं, तो ये रैली 2 या 3 साल के अंतर्गत पे आती है, 2 या 3 साल के अंतर्गत पे आती है, ये हर साल नहीं आती है, ठीक है, ये हर साल नहीं आती है। जो मैं आगे बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट को फिट होना चाहिए, ठीक है, ऑल मतलब सभी प्रकार से उसे सही होना चाहिए, ठीक है, गेनफुली एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे नोट, एक बात नोट करिएगा, ठीक है, ये जो टीए की रैली आती है वो अक्सर आर्मी में आती है, ठीक है, कभी कभी एयरफोर्स में भी ओपन रैली आ जाती है, ठीक है, नेवी में भी आ जाती है, ठीक है, खुली भर्ती जिसमें दौड़ लगाना पड़ता है पहले, ठीक है, उसके बाद तो आप लोग का सिलेक्शन होता है, ठीक है, पैरामिलिट्री लाइक फोर्स नॉट एलिजिबल, ठीक है। चलिए आगे बता देता हूँ, और यहाँ पे डेट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये बता दूं कि आप लोग को इस डेट से कोई लेना देना नहीं है, जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप अगर 10th या 12th पास टीए की रैली देखते हैं तो भी अच्छा है, अगर आप ग्रेजुएशन पास टीए की रैली देखते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट इसमें शामिल होती है, ठीक है। चलिए आगे बता देता हूँ, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है लड़कों को लेके कि हमें इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाती है, हम इसका फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या ऑफलाइन भर्ती होती है तो कहाँ पे जाके दौड़ के देखना पड़ता है, या आर्मी हर साल किस मतलब टीए का सेंटर पे आती हैं ये भर्तियां, बहुत सारी कंफ्यूजन रहते हैं, ठीक है। सेंटर में आपको बता देता हूँ, सेंटर आपके कौन कौन से एग्जामिनेशन के पड़ जाते हैं, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, कोलकाता, शिलोंग, जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, श्रीनगर, ठीक है। सबसे पहले ये बता दूं, टीए जो टटोरियल आर्मी की पोस्ट होती है ना, एज ए ऑफिसर रैंक और नॉन ऑफिसर रैंक, ये आर्मी में एक डिफेंस की अलग ही लाइन होती है जो सभी को मौका देती है बराबर का, जिनमें जोश और जुनून होता है इंडियन आर्मी में जाने का। कुछ लड़के थक हार के जब 23 साल के हो जाते हैं तो आर्मी की भर्ती देखना बंद कर देते हैं, वो सोचते हैं मेरी उम्र निकल गई, अब मैं नहीं देख पाऊंगा, या किसी भी डॉक्यूमेंट दूसरा बनवा के जाऊंगा देखने तो मुझे छांट दिया जाएगा, या मेरे साथ ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन उसी डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया होता है तो आराम से आप एक अच्छी इंडियन आर्मी में पोस्ट मेहनत करके निकाल सकते हैं, जिसका पेपर भी सेम वही होता है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज और थोड़ी बहुत इंग्लिश, अलग से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाती है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप लोग को थोड़ा फिजिकल, पेपर का सब सेम पैटर्न होता है, उसके लिए सिलेबस कई सारी यूट्यूब पे हमने वीडियो डाल भी रखी है, या इससे पहले भी आप किसी की भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी सब सेम होती है, सैलरी इसमें सब कुछ अच्छी होती है। अगर एज ए ऑफिसर रैंक आप ज्वाइन करते हैं तो लेफ्टिनेंट या जो भी कैप्टन, मेजर, जो भी कर्नल बनेंगे, ब्रिगेडियर, तो उसमें सैलरी बहुत ही अच्छी अच्छी होती है, ठीक है, लाखों में सैलरी जाती है, ठीक है, 40,000, 50,000,
70,000, 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख, मतलब बहुत अच्छी अच्छी सैलरी मिलती है पे स्केल, और है 6 महीने पे 2 महीने, हर 6 महीने पे आपको पे ग्रेड सैलरी बढ़ती रहती है, 6,000, 4,000, 3,000 बढ़ती रहती है, ठीक है। एज ए अगर आप ऑफिसर रैंक ज्वाइन करते हैं तो, और एज ए TA, एज ए नॉन ऑफिसर रैंक ज्वाइन करते हैं 10th पास या 12th पास टटोरियल आर्मी की, तो उसमें आपकी सैलरी उतनी ग्रो नहीं होती है, लेकिन उसमें भी बढ़िया सैलरी मिलती है जैसे GD क्लर्क ट्रेडमेंट टेक्नीशियन की होती है जनरल रैंक पे, ठीक है। तो ये तो इसकी जानकारी होगी। चलिए आगे और आपको बताते हैं इसमें हाइट वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट होती है। TA में हाइट बहुत कम लगती है, जिन लड़कों की हाइट कम है मैं तो उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि वो TA की भर्ती देखें। अगर आप लोग को TA के से लेके कोई कई सारे डाउट होते हैं लड़कों के मन में कि TA की भर्ती कब आती है तो पता नहीं चलता है, इंडियन आर्मी साइट पे आपको टटोरियल आर्मी का नंबर भी मिल जाएगा, या इंडियन आर्मी की सारी अपडेट हम देते रहते हैं। TA की रैली होगी, ओपन रैली होगी, जनरल रैली होगी, स्पोर्ट की भर्ती होगी, NCC की भर्ती होगी, एयरफोर्स की भर्ती होगी, नेवी की भर्ती होगी, सब कुछ हम बता देते हैं। उसके लिए सिंपली आप वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, अगर आप उस पर प्रेस करते हैं तो सारी अपडेट हम आपको घर बैठे प्रोवाइड करते हैं जब तक कि आप भर्ती ना हो जाए। और साथ ही साथ में अगर आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का यूजर नेम मैं लिख देता हूँ राकेश SY2, RAKESHSY और ये नंबर में 2। अगर आप फॉलो करोगे तो वहाँ पे बगल में फटाक से मैसेज का ऑप्शन देगा, फॉलो नहीं करोगे तो मैसेज का ऑप्शन नहीं देगा। और मैं 1 से 2 घंटे डेली वहाँ पे इंस्टाग्राम पे लड़कों का रिप्लाई कर देता हूँ जो उनका अच्छा क्वेश्चन होता है। और बात रही अब टूल फ्री नंबर भी आपको TA का मिल जाएगा। ऑफिसर रैंक पे भर्ती आने वाली है, इसकी नोटिफिकेशन ये थी कि आने वाली है, कुछ दिनों में इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। और एज ए TA 10th पास 12th पास की अभी नोटिफिकेशन ऑफिशियली रूप से जारी नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताया जा रहा है कि इसके बाद उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हाँ, कुछ रिटर्न एग्जाम सेंटर है या कुछ अधिक जानकारी लेना है तो आप लोग फटाक से यहाँ पे टूल फ्री नंबर दिया, इनका फोन नंबर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लखनऊ पटना से बिलोंग करते हो तो 0522-248-22-78, और यहाँ पे अगर आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ये नंबर दिया है। जयपुर, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद वालों के लिए ये नंबर दिया है। TA का हेडक्वार्टर का नंबर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे उधमनगर, श्रीनगर का नंबर ये दिया है, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो नॉर्थन एरिया से, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का यहाँ पे टटोरियल आर्मी का सेंटरों का नंबर दिया है। इन पे भी आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि डिफेंस की सबसे बढ़िया लाइन टटोरियल आर्मी है, जिसे लड़के देखिए इसमें पोस्ट तो कम होती है लेकिन जिसका जुनून होता है वो इसमें ज्वाइन होता है, क्योंकि वो अगर आप आर्मी का सपना देख चुके हो, कन्फर्म कर चुके हो कि आर्मी में जाना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि TA की रैली आप आराम से देखिए। और इसकी जानकारी हम प्रोवाइड करते रहते हैं, तो वीडियो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन में दबा दोगे तो उसकी जानकारी हम खुद अपडेट करते रहेंगे। अभी हाल ही में एक TA चार्ट जारी हुआ था जो कंफर्म नहीं था, उसके बारे में भी मैंने बताया था। ऑफिसर रैंक पे TA की भर्ती आई थी, आने वाली है, उसके बारे में भी मैंने पहले ही बता दिया था। और भी अधिक जानकारी के लिए जुड़ जाइए, और ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है टटोरियल आर्मी की, आप इसे इंस्पायर हुए हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।